हेलो दोस्तों, आज हमारी ये एक्सरसाइज 5.1 एक्सरसाइज हमारी ये 5.1 से क्वेश्चन नंबर 2 है। फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमें सप्लीमेंट निकालना। सप्लीमेंट क्या होता है? द सम ऑफ टू एंगल्स, द सम ऑफ टू एंगल्स इज कितना होता है? 180। सप्लीमेंट एंगल का मतलब होता है कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है हमारा, दो एंगलों का सम कितना, अगर 180 है तो उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे हमारा एक 120 हो सकता है, दूसरा 60 हो सकता है, सम 180, तो ये क्या हो गया? सप्लीमेंट्री। अब एक तो हमें दे रखा, कितना दे रखा? 105 दे रखा। हमें नेक्स्ट निकालना है, तो अब हमारे पास एक तो कितना है, 105 है, तो नेक्स्ट अब दो एंगल का सम, तो हमने एक को क्या लिया, जो एक को दे रखा, तो अनदर एंगल क्या होगा हमारा, हमने क्या लिया, एक्स ले लिया, ठीक है। और ये 105, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 हो जाएगा। भाई दो एंगल है, एक तो दे रखा 105, तो एक हमने x ले लिया, तो x इक्वल टू 180, ये पीछे जाके माइनस होएगा 105, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच्चा 7, तो दूसरा क्या हो जाएगा, 75। अब 75 105 180 हो रहा सम, बिल्कुल हो रहा, तो ये हमारा क्या होगा, सप्लीमेंट्री, ठीक है। यहाँ हमारा दे रखा है 87, तो हमें लेट अदर एंगल बी कितना हो जाएगा, x। अब एक तो x है और दूसरा कितना है, 87 है, ये इनका सम कितना होता है, 180। अब ये पीछे जाएगा क्योंकि इक्वल है बीच में, ठीक है, तो इक्वल 180 ये पीछे जाएगा, 87 होगा माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस में, पीछे जाके माइनस, और 10 में 7 गया 3, यहाँ कितना बचा, 17 में से 8 जाएगा, तो कितना बच जाएगा, 17 में से 8 जाएगा, यहाँ 7 बचा, 17 में से जब हमारा 8 जाएगा तो 7 और 2 9 93 बचा, ओके, तो ये हमारा कितना आ गया, 93। नेक्स्ट हमारा कितना है, यहाँ हमारा देगा 154, तो एक एंगल तो हमने बोला, एक तो हमारा 1 हो गया, अनदर एंगल क्या होगा, x, तो x प्लस 154 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। अब x 180 माइनस 154, और x इक्वल टू 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 7, 7 में से 5 गया 2, ओके, तो क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा, ओके, थैंक यू।